नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो सीना होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और ये जो सीना मेडिसिन है बच्चों में कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, बच्चों में इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो सीना मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये मेडिसिन किस किंगडम की है। तो ये मेडिसिन जो है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। वर्म सीड करके एक हर्ब है, वर्म सीड करके एक पौधा है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है। ये जो मेडिसिन है स्पेशली बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, खासकर जब बच्चे जो है फैटी होते हैं, मोटे होते हैं और थोड़े से चबी होते हैं, तो उनमें ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल की जाती है। और वो बच्चों में वर्म की शिकायत, आंतों की शिकायत होती है, वर्म की तकलीफें होती है, वर्म इन्फेस्टेशन की तकलीफें होती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है, सीना मेडिसिन है, इसमें बच्चों का जो माइंड है, बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होती है, उसके बारे में अब हम पहले बात कर लेते हैं। तो माइंड में माइंड सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों में, तो बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली रोता रहता है, हमेशा वो रोता रहता है। उसको हाथ भी लगाया, उसको टच भी किया तो भी वो रोता रहता है। उसे लाड़ प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई लाड़ प्यार करने जाता है उसके पास तो उसे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है, वो तुरंत रो देता है और गुस्सा हो जाता है। तो उसे बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, तो वो सब चीजें जो है वो ले लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वो सारी चीजें को फेंक देता है, रिजेक्ट कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। तो ऐसे अगर माइंड सिम्टम्स है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो खुली हवा में चलता है तो उस वक्त उसको गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेबल ये बच्चा रहता है। अगर आप देखते हो कि कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट है, किस चीज को लेता है तुरंत उसको फेंक देता है, तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऐसा अगर कोई बच्चा आपके क्लिनिक में शिकायतें करता है तो ये सीना मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अगर किसी ने टच भी कर दिया, हल्का सा भी टच कर दिया या फिर उसके पास जाने की भी कोशिश, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसके आसपास भी उसको कोई भी नहीं चाहिए रहता है। तो ऐसे अगर माइंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो ये सीना मेडिसिन उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके सिर के रिलेटेड यानी कि हेडेक के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पेशेंट्स है उनमें सिर दर्द जो है वो स्टडी करने से बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा स्टडी करता है या फिर मेडिटेशन करता है तो उसके बाद उसका सिर दर्द होता है, हमेशा उसको उसके बाद हेडेक होने की तकलीफ रहती है, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। जब सिर दर्द होता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो सिर दर्द है वो बहुत तेज है, और जब उसको सिर दर्द होता है तो उसकी जो पेट की कंप्लेंट होती है वो रिलीफ हो जाती है, और जब पेट की कंप्लेंट वो स्टार्ट हो जाती है तो उसका सिर दर्द जो है वो रिलीफ हो जाता है, यानी कि सिर दर्द और पेट के कंप्लेंट जो है वो अल्टरनेट रहती है। और ये जो सिर दर्द है उसका कब रिलीफ होता है, जब वो स्टूपिंग मतलब नीचे की ओर झुकता है तो उसका सिर दर्द जो है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उसका सिर दर्द जो है वो कम हो जाता है। जब उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, जैसे कि कन्वर्जन हम जिसे बोलते हैं, तो मिर्गी के दौरे आते हैं तो दौरे आने से पहले और दौरे आने के बाद उसको हेडेक और सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो कन्वर्जन के दौरान होने वाला जो हेडेक है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके आईज के बारे में, इसके आंखों के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इस रेमेडी में देखने को मिलते हैं, तो पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डायलेटेड रहते हैं और आंखों का दिखाई देना कम हो जाता है। जब स्पेशली पेशेंट जब मास्टरबेट करता है तो उस वक्त उसका साइट जो है वो लैक हो जाता है, कम हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस वक्त मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो तब स्ट्रैबिस्मस यानी कि
टेढ़ा तिरछा देखने की तकलीफ उसको होती है। आंखों में जो सुपर सीलियरी मसल्स होते हैं आंखों के, उसके पल्सेशन होते हैं, तो ऐसे अगर आंखों की कंप्लेंट्स है तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि नाक के रिलेटेड सिम्टम्स, नोज के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो नाक और मुंह से कभी कभी उसको खून आता है। बच्चा क्या करता है कि उसकी उंगली जो है वो नाक में डालता है और उधर कंटिन्यूस बोरिंग करता रहता है, लगातार वो अपने नाक को रगड़ता है और नाक में उंगली डालकर उधर बहुत ज्यादा बोर यानी कि छेद कर देता है। जब तक वो बोर करता है तब तक वहां से खून नहीं आता है, इतना वो बोरिंग करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से उधर बहुत ज्यादा इरिटेशन उसको महसूस होता है और इसलिए वो ऐसा करता है। और उसको वॉयलेंट स्नीजिंग की तकलीफ है यानी कि छींकने की तकलीफ है। वॉयलेंट जो छींके आती है तो उसके वजह से उसको क्या लगता है कि उसके टेम्पल्स यानी कि ब्रेन में जो टेम्पलर रीजन होता है वो फट जाएगा, ऐसे उसे लगता है। बहुत ज्यादा प्रेशर उधर उसको महसूस होता है और जब स्नीजिंग करता है, जब छींकता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी छाती जो है वो फट जाएगी, ऐसा उसको महसूस होता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स उसको नाक के रिलेटेड है तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फेस के रिलेटेड सिम्टम्स, चेहरे के रिलेटेड सिम्टम्स। तो चेहरे में उसका चेहरा जो है, एक गाल जो है वो पेल रहता है और एक गाल जो है वो हॉट रहता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। गालों पर बहुत ज्यादा लालिमा रेडनेस दिखाई देता है और चेहरे पर पेल और गर्म रहता है। तो आंखों के चारों ओर उसको अगर काले घेरे आपको दिखाई देते हैं, काले घेरे रहते हैं, तो ये मेडिसिन उधर इस्तेमाल की जाती है। चेहरे पर बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आता है और नींद के दौरान ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये जो बच्चे हैं, तो वो दांत जो है वो पीसते हैं। तो ऐसे अगर फेस के रिलेटेड पेशेंट के सिम्टम्स है, बच्चे के सिम्टम्स है, तो ये मेडिसिन हम उधर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेट के रिलेटेड यानी कि स्टमक के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से खाता है, फिर भी भोजन करने के तुरंत बाद उसको भूख लगती है, हंग्री महसूस करता है। ये जो पेशेंट है वो हमेशा हंग्री महसूस करता है, हमेशा भूखेला जो सेंसेशन है वो उसको महसूस होता है। पेट के ऊपरी हिस्से में जिसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। सुबह उठने के बाद तुरंत और भोजन करने के तुरंत बाद उसको उल्टी जैसा महसूस होता है। खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी पीने के बाद उसको उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, जिसे हम वॉमिटिंग और डायरिया बोलते हैं। तो ऐसे अगर कंप्लेंट से किसी बच्चे में कि खाना खाने के बाद तुरंत वो डायरिया या फिर उल्टी कर देता है, खाना खाने के बाद तुरंत वो वॉमिटिंग कर देता है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाते हैं। और इसी के साथ जब वो ऐसे सिम्टम्स बताता है कि खाने के बाद उसको तुरंत उल्टी या फिर दस्त हो जाते हैं, तो आप उसकी टंग देखेंगे, उसकी जुबान देखेंगे, तो वो क्लीन रहती है। ऐसे अगर सिम्टम्स है आपको मिलते हैं तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेशेंट जो है खाने के लिए बहुत अलग अलग चीजों की डिमांड करता है, बहुत अलग अलग चीजें वो खाने के लिए मांगता है और मिठाई के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है, मिठाई उसको खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ नेवल के यहाँ पर, अम्बिलिकस के यहाँ पर उसको ट्विस्टिंग यानी कि मरोड़ जैसा दर्द उसको महसूस होता है। जो स्टूल्स होते हैं वो पॉपकॉर्न की तरह रहते हैं। तो ऐसे अगर आपको स्टूल मिलते हैं किसी पेशेंट के, तो उसमें भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। वर्म्स की वजह से जहां पर मल त्याग करते हैं हम, जहां से मल त्याग करते हैं हम, एनस के यहाँ पर वर्म की वजह से बहुत ज्यादा ईचिंग उधर उसको महसूस होती है, बहुत ज्यादा खुजली उसको महसूस होती है। अब हम बात करेंगे कि यूरिन यानी कि मूत्र के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है यूरिन जो है टर्बिड फॉर्म में पास करता है, जैसे कि सफेद कलर की जो मूत्र है वैसी वो पास करता है, और पास करने के बाद तुरंत वो जो यूरिन है, मूत्र जो है वो मिल्की दूधिया जैसे हो जाता है। और रात के समय इनवॉलंटरी यूरिनेशन यानी कि रात के समय वो अपने आप पेशाब जो है वो पास कर देता है, जिसे हम नॉक्चुरनल इन्यूरेसिस भी बोलते हैं। ये जो नॉक्चुरनल इन्यूरेसिस है ये क्यों होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से ये नॉक्चुरनल इन्यूरेसिस हो सकता है। तो वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से उसके पेट में दर्द है और नॉक्चुरनल इन्यूरेसिस की तकलीफ है और नाक वो कंटिन्यू बोर करता रहता है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो ये सीना मेडिसिन उधर बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन जो है इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में, उसके कफ के सिम्टम्स के बारे में। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि सुबह सुबह उसको खांसी चालू हो जाती है, ऊपिंग कफ जो होता है वो चालू होता है और वो कफ जो है वो पैरोक्सिज्म में आता है।
खांसी की वजह से उसको स्पाज्म आते हैं, खांसी की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और उसे ऐसा लगता है कि खांसी की वजह से उसकी छाती जो है वो फट जाएगी। और बच्चे क्या करते हैं कि उनके शरीर को हिलाते नहीं है, मूवमेंट करते नहीं, क्योंकि वो डर जाते हैं अगर उन्होंने थोड़ा सा भी शरीर की मूवमेंट की, थोड़ा से भी अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो उनको कफ जो है खांसी के जो पैरोक्सिज्म्स है वो चालू हो जाएंगे। उस डर के वजह से वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं। खांसने के बाद जो स्पूटम आता है वो उसको निगल जाते हैं, एक्सपेक्टोरेशन जो आते हैं उसको निगल जाते हैं। और खांसने के बाद पेट से गले तक दुर्गंध बहुत ज्यादा आता है और हवा के लिए वो जोर जोर से सांस लेता है, जोर जोर से ब्रीदिंग करता है, इसलिए वो सांस जल्दी ले पाए। और बच्चा जो है वो खांसने के बाद पेल दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है। तो ऐसे अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सीना मेडिसिन में रहते हैं, किसी बच्चे में आपको दिखाई देते हैं, तो इस सीना मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पेशेंट्स हैं इनमें ये जो सिम्टम्स जो सारे मैंने बताए तो किससे एग्रवेट होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है आईज के रिलेटेड जो सिम्टम्स है, आंखों के रिलेटेड जो सिम्टम्स है, तो एक चीज की तरफ अगर पेशेंट कंटिन्यूस देखता रहता है तो उस तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि वर्म्स का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट के सारे तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। और रात के वक्त स्पेशली पेशेंट की जो तकलीफें है, चाहे खांसी हो या फिर यूरिन की जो तकलीफें हो और पेट की जो तकलीफें है, वो बहुत ज्यादा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और धूप में जब बच्चा जाता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। समर सीजन में स्पेशली ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो सीना मेडिसिन है इसके माइंड के सिम्टम्स के बारे में हमने बात की, तो उसके माइंड सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स जब मैच होते हैं तो ये सीना मेडिसिन आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताए, जो जनरल सिम्टम्स बताए और माइंड के रिलेटेड जो सिम्टम्स बताए, वो सारे सीना मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो ये मेडिसिन आपको समझ में आ गई होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए, जो न्यू लर्नर है उनमें ये उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही मददगार रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कुछ नए वीडियो अपलोड करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।